आगे बढ़े तो उफ ये गर्मी। झारखंड में गर्मी का सितम कहर बरपाने लगा है। गोड्डा, पाकुड़ और सरायकेला सहित कई जिलों में पारा 40 डिग्री को पार कर चुका है। सरायकेला में अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री दर्ज हुआ तो मौसम विभाग की माने तो 20 अप्रैल से तापमान और तपाने लगेगा। लोगों का कहना है कि चैत में ही जेठ और वैसाख की तपिश तपाने लगी है। देखिए रिपोर्ट। चैत का महीना ही जेठ और वैसाख को मात देने लगा है। आसमान से आग बरस रहे हैं, सूर्य देव रौद्र रूप धारण कर चुके हैं। पूरे झारखंड में गर्मी का सितम कहर बरपाने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने भी अलर्ट करते हुए साफ साफ कह दिया है कि सोमवार 16 अप्रैल से तापमान और तपाने लगेगा और 20 अप्रैल से ही पारा बर्दाश्त की लक्ष्मण रेखा को पार करने लगेगा। जमशेदपुर और कोल्हान के कई जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है। इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले दिनों में गर्मी से हालत और पतली होगी। चैत में ही तपाने लगी जेठ वैसाख की तपिश। पूरे झारखंड में गर्मी का सितम बरपाने लगा कहर। सोमवार 16 अप्रैल से तपिश में और हुआ इजाफा। 20 अप्रैल से बर्दाश्त की लक्ष्मण रेखा होगी पार। गोड्डा, पाकुड़ और सरायकेला में 40 डिग्री से पार हुआ पारा। सरायकेला में अधिकतम 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा। डराने लगा है मौसम विभाग का पूर्वानुमान। अगले 2-3 दिनों में कई जिलों में 42 तक डिग्री पहुंच सकता है पारा। राजधानी रांची में भी बादल छटने के बाद बढ़ने लगी गर्मी। रांची से अधिकतम तापमान 38 डिग्री रहने के आसार। अभी तो गर्मी का ट्रेलर है तो मई और जून में क्या हाल होगा ये सोचकर ही कई लोगों को टेंशन हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि गर्मी में खाने पीने का खास ख्याल रखें। परिवार के बुजुर्ग और बच्चों को लेकर खास सावधानी बरतें। बाहर के खाने से परहेज रखें। जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकलें। छतरी, मास्क, गमछा, दुपट्टा का जरूरी इस्तेमाल करें। जरूरत पड़े तो डॉक्टरों की सलाह पर भी अमल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV45। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रकाश हमारे साथ दोनों। प्रकाश, झारखंड में गर्मी का सितम अभी से ही बरपाने लगा है कहर, और कह सकते हैं कि आधा अप्रैल भी पार नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अब गर्मी को बर्दाश्त करना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो रही है। क्या कोई जानकारी आपके पास? आपने बिल्कुल सही कहा, जिस प्रकार से लोगों को गर्मी ने परेशान कर रखा है, दोपहर होते ही सड़कें पूरी तरह से सन्नाटा हो जा रहा है, लोग पीपल पेयजल के जुगाड़ में लग जाते हैं। ऐसे में जिस प्रकार से गर्मी में लगातार वृद्धि हो रही है तो लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। देखिए, गर्मी के कारण लोग अब पूरी तरह से जनजीवन जो है लोगों का वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर हम दोपहर की बात करें तो दोपहर में ही पूरी सड़कें जो है सन्नाटा, सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें शाम में तो जो शाम को हवाएं चलती थी वो भी अब धीरे धीरे बंद होता दिख रहा है। तो ऐसे में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा, क्योंकि दिन में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान है, शाम को भी उन्हें राहत नहीं मिल पा रही है। और ऐसे में अगर मौसम विभाग की बात करें तो उनका कहना है कि लगभग अप्रैल के अंत तक 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंचने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। देखिए, अभी की अगर टेम्परेचर की बात करें तो गर्मी, जाहिर सी बात है, गर्मी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। 40 डिग्री के पार भी पारा जो है वो चढ़ता जा रहा है। ऐसे में गर्मी से निपटने के लिए और राहगीरों के लिए गर्मी को देखते हुए प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम किए गए? साथ ही साथ आप हमें ये बताए कि आज स्कूल के समय में बदलाव किया जा रहा है। इसे अगर हम स्कूल की बात करें तो जिला प्रशासन की तरफ से स्कूल को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है, लेकिन इतना जरूर है कि गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा हो सकता है कि एक दो दिन में ये निर्णय ले लिया जाए, क्योंकि कल रामनवमी है। रामनवमी को लेकर जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से सजग है। लगातार जिला में फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं, लगातार बैठक किए जा रहे हैं, लगातार जो अखाड़ा के सदस्य हैं उनसे मुलाकात की जा रही है, और हो सकता है कि जैसे ही रामनवमी पार हो तो इसके बाद कोई जिला प्रशासन की तरफ से डिसीजन लेकर स्कूलों का समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि दोपहर को जिस प्रकार से गर्मी, तपिश भरी गर्मी से लोग परेशान है, बेहाल है, और कह सकते हैं कि दोपहर होते होते पूरी सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। इक्का दुक्का ही आपको लोग नजर आते हैं, वो भी लोग जो विशेष कार्य से कहीं निकल रहे हैं वही लोग नजर आते हैं। ऐसे में कोई
घर पे रहना पसंद कर रहे हैं या तो फिर दुकानों का शरण ले रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठकर दिन बिता रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिए खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि झारखंड में गर्मी का सितम कहर बरपाने लगा है। गोड्डा, पाकुड़ और सरायकेला सहित कई जिलों में पारा 40 डिग्री को पार कर चुका है। सरायकेला में अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री दर्ज हुआ। तो ऐसे में ये देखने वाली बात हुई कि मौसम विभाग की ओर से और प्रशासन की ओर से क्या कुछ इस पर लिया जाता है, क्योंकि अगर बात करें तो स्कूल के समय भी बदलाव किया जा सकता है।